नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुर्मी है। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश पुलिस में एज अ DSP पदस्थ हूँ। मैंने 2015 MPPSC में 18वीं रैंक हासिल की थी और DSP का पद प्राप्त किया था। आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस करूँगा, जिसका मैं पार्ट रहा और जिसको मैंने अपनी टीम के साथ सॉल्व किया। हमारे पास वर्ष 2021 फरवरी की बात है, जब हमारे पास एक सूचना आई थी कि कोई बच्चा चोरी गिरोह है जो कि बच्चों की चोरी करके और जो है लोगों को दिलाता है, जिनके बच्चे नहीं रहते, जो निशंतान दंपत्ति रहते हैं। तो ऐसी हमें एक सूचना मिली थी। उस सूचना पे हमने इमीडिएट एक्शन लेते हुए, हमारी टीम को जो है पता चला था कि कहीं देवास में कहीं जो है वो बच्चे अभी हैं, और उस टिप पे हमने काम करते हुए तुरंत टीम के साथ में गया और जो बच्चा था उसको अपनी कस्टडी में लिया, और जो अक्यूज्ड माता पिता थे उनको भी हमने जो है कस्टडी में लिया। इसके बाद हमें एक और बच्चे के बारे में पता चला, जो कि अलग जो है रतलाम में जो कि रह रहा था, वो भी निशंतान दंपत्ति थे और उन्होंने भी कहीं से किसी हॉस्पिटल से वो बच्चा चोरी किया था। तो इसमें जो वो नेटवर्क था वो इस तरीके से था कि जो अस्पताल रहते थे वहाँ पे डॉक्टर्स रहते थे, उनको पता रहता था कि इसकी डिलीवरी होने वाली है। साथ में जो दाई रहती थी और जो नीचे लोअर स्टाफ रहता था, उनको उनके माध्यम से वो अपने जो है क्लाइंट्स ढूंढते थे जो निसंतान दंपत्ति होते थे, तो वो उनके माध्यम से फिर कांटेक्ट में आते थे और इस तरीके से बच्चे को चोरी करते थे। इस केस में हम लोगों ने लगभग 2 से 3 दिन तक हम लोग बिना सोए लगातार हम लोगों ने 72 आवर्स कार्रवाई की, सभी आरोपियों को इसमें उठाया, और जो बच्चे थे उनको कोर्ट के माध्यम से बाल कल्याण समिति जो होती है जिला स्तरीय, तो उसको सौंपा। वर्तमान में बच्चे जो हैं बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिए गए, और जो अक्यूज हैं उनके फिर DNA वगैरह करा के ये प्रूफ हुआ कि ये इनके माता पिता नहीं हैं। इस तरीके से हमने ये पूरा केस जो है सॉल्व किया, और जो बच्चे हैं, जो दंपत्ति हैं, जो निशंतान थे, उनको भी सज़ा दिलाई, और वर्तमान में कोर्ट में हमने चालान जो है पुटअप कर दिया है, और कोर्ट की जो कार्रवाई होगी जल्द उनको इसमें सज़ा भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस केस में जो बच्चे थे उनको न्याय दिलाया, और जो आरोपी बच्चा गिरोह था उन सभी को सज़ा दिलाई। और इसी तरीके से बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें लोगों की सेवा करने की, लोगों की हेल्प करने की, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, सभी तबके के लोग, चाहे वो पिछड़े हुए हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, अमीर हों, और सभी आयु वर्ग के लोग, सभी का जो है हेल्प करने की, सभी को सेवा करने की हमें यहाँ पे मौका मिलता है इस सर्विस में। और आगे आप लोग भी इस सर्विस में आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसी तरह की मिलेंगी, और आगे भी आप इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर सुनते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।